हेलो एवरीवन, द सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रहा है बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ, बहुत सारी सब्जियों से भरा हुआ चिली पनीर, जिसे सब पसंद करते हैं, बहुत झटपट बन जाता है, सबको पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए ये मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है। और पहले हम इसको एक कॉर्नफ्लोर के बैटर में हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका पतला बैटर बनाते हैं, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच भर के और 1 चम्मच मैदा है। अगर हम इसको पेस्ट बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि यहाँ तो पेस्ट हमारा बहुत पतला हो जाता है, जिससे कि हमारा पनीर कढ़ाई में जाकर पकौड़ों की तरह फूल जाता है, या हमारा ये जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फ्राई नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने अपना ये 350 ग्राम पनीर लिया और इसको हमने एक बड़ी प्लेट में फैला दिया। ये हमने अपने पनीर को एक बड़ी प्लेट में ऐसे करके बिछा लिया है। अब हमें इसमें बैटर नहीं बनाना, बल्कि हमने ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदा का ये जो हमने पाउडर लिया है, हम इसी को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप इस रेसिपी से बनाकर देखिए, बहुत झटपट और बहुत ही बढ़िया चिली पनीर बनकर रेडी होगा। ये देखिए, आपको इसमें घोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दें ताकि पूरा ये इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। क्योंकि ये चिली पनीर है, इसीलिए इसमें चिली का फ्लेवर देने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है हमारी, उसका एक घोल तैयार करूँगी। ये भी हमारा चिली सॉस का ही काम करती है। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, हम इसके ऊपर इसको फैला देंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चिली सॉस ली है, उसको भी हम फैला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसमें पनीर के अंदर बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है मिर्च की, मसालों की। और थोड़ा सा इसमें अब हम बिल्कुल हल्का सा नमक भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसके ऊपर बचा हुआ 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर और डाल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें हमने ऑयल डाला है। आपने ये पनीर को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि शैलो फ्राई करना है। बाकी ऑयल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, शैलो फ्राई करने के लिए ये ऑयल काफ़ी है। ऑयल को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा हम पनीर को मसाले की कोटिंग के साथ ऊपर नीचे करेंगे, ताकि इसमें पूरी तरीके से लाल मिर्च का, कॉर्नफ्लोर का, नमक का सारा फ्लेवर आ जाए। आप एक बारी बिना घोल बनाए इसको इस रेसिपी के साथ बनाएं, ये बहुत अच्छा चिली पनीर बनके रेडी होगा। ये देखिए, यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम एक एक पीस करके इसमें पनीर का डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। हमें इसमें गैस का फ्लेम लो नहीं रखना, ना ही बिल्कुल हाई रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमारा पनीर देखिए शैलो फ्राई हो रहा है। इसको बीच में एक आध बार ऐसे करके हिला दें। देखिए लाल मिर्च से कितना अच्छा कलर आया है,
अब फोर्क की हेल्प से या चिमटे की हेल्प से अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए जो जो हमारे पीसेस होते जा रहे हैं उनकी हम साइड को चेंज करेंगे। अगर आप ये घोल में बनाकर फ्राई करेंगे तो ये पनीर सारा एक दूसरे से जुड़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है उसका बैटर। तो आप सूखे कॉर्नफ्लोर को स्प्रिंकल करके ही ये वाली रेसिपी बनाएं। ये देखिए जो जो इसमें पनीर बिल्कुल अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है और इसको फ्लिप करने में भी बहुत आसानी हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन रखना है तो आप थोड़ा सा और भी गोल्डन रख सकते हैं। ये देखिए एक साइड से हमारा पनीर कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है और सारे पीसेज आप देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग हैं। ये देखिए ये देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए पनीर हमारा कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई भी हो गया है और कितना क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए पनीर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये इसी फ्राई पैन में हम अपना मसाला तैयार करेंगे, लेकिन ये जो भी ऑयल है ये चिली पनीर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम किसी और सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनता क्योंकि पनीर अपने आप में बिल्कुल फ्राइड हो चुका है। देखिए एक चम्मच ऑयल इसके लिए बहुत है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बाकी का ऑयल मैंने दूसरी सब्जी में बनाने के लिए निकाल लिया है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। सबसे पहले हम इसमें ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जिसमें हरी मिर्च डाली है, मैं सबसे पहले इसमें ये डालूंगी। इसको हम पहले थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं जो कि चिली पनीर में डाली जाती हैं, जैसे कि ये प्याज है जिसको मैंने ऐसे डाइस करके पतला डाइस की शेप में काटा है। ये कैप्सिकम है ग्रीन वाला, ये येलो बेल पेपर है, रेड बेल पेपर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी है इस समय अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप खाली इसमें हरी शिमला मिर्च डाल लीजिए, आजकल बहुत सीज़न में है हरी शिमला मिर्च। ये देखिए इसी के बहाने बच्चे सारी सब्जियाँ खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी चाइनीज़ डिश मानी जाती है, बहुत रिच स्टार्टर माना जाता है, जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ये हमारा अदरक और लहसुन हरी मिर्च के साथ सॉटे हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले अपने डाइस किए हुए अनियन डालेंगे, थोड़ा सा मैंने हरा प्याज भी लिया है वो भी डाल देंगे। हमें इसमें अनियन को और बाकी की जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देना है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, बस मीडियम फ्लेम पे हमें इसको हल्का सा सॉटे करना है। इसके साथ हम अपनी बाकी की चॉप की हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। स्लिट करके मैंने ग्रीन हरी मिर्च ली है जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो बीज से कई बारी जो सब्जी है या जो भी हम डिश बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। वैसे तो कह रही है चिली पनीर है, लेकिन फिर भी मैंने इस हरी मिर्च के सीड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। एक चम्मच नमक का डालेंगे। ये वैसे चिली पनीर तो ड्राई भी बनता है और ग्रेवी वाला भी बनता है, लेकिन आज मैं आपको ड्राई चिली पनीर की रेसिपी बता रही हूँ। वैसे ये ग्रेवी वाला भी राइस वगैरह के साथ, नूडल्स के साथ बनाया जाता है। अब हमारी इसमें सॉसेस डालेंगी। ये देखिए ये एक चम्मच भर के मैंने रेड चिली सॉस डाली है। ये चिली जो है वो आप अपने बच्चों के और अपने घर में सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने सोया सॉस डाली है डेढ़ चम्मच, एक चम्मच भर के वेनेगर, वाइट वेनेगर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, एक मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। एक मिनट हो गया है,
अब ये देखिए इसमें मैं 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के डालूंगी। आप कोई से भी टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस की मैं डालूंगी। ये देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये इसकी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पानी लिया है, जिसमें मैं 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे हम, ताकि हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर सकें। इसमें बस आप ध्यान रखें कि कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए। और अब हम ये इस ग्रेवी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। ड्राई चिली पनीर में और ग्रेवी वाले चिली पनीर में बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो हमने ग्रेवी बनाई है, ये ड्राई चिली पनीर में हमें थोड़ी सी इसको थिक रखनी होती है, और जो हम ग्रेवी वाला चिली पनीर बनाते हैं उसमें हमें इसको थोड़ा सा पतला करना होता है, और ये जो हमने अभी मिक्सचर डाला है ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। लेकिन फिर भी मैं वो आपको बहुत जल्दी बनाकर आपको उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। ये देखिए ये कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। अब इस स्टेज पर हमने जो अपना पनीर रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे। बहुत झटपट बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट ये स्टार्टर है। इसको सभी लोग पसंद करते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में। पनीर में हमारी सारी सब्जियां और सारे मसाले मिक्स हो जाएं, इसके लिए 1 से 2 मिनट तक इसको ढक के थोड़ा सा मीडियम पे पकाएंगे। ये देखिए हमारा चिली पनीर बनकर इतना स्वादिष्ट कलरफुल रेडी है। अगर आपको इसमें मिर्च कम लगे तो आप ग्रीन चिली इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो मैं थोड़ा सा इसको हिसाब से डालती हूँ। ये देखिए, अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको 1 से 2 मिनट तक भाप में ही रहने देंगे। देखिए हमारा चिली पनीर बनकर रेडी है। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिली पनीर बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ग्रीन अनियन और थोड़े से वाइट तिल के साथ इसको गार्निश करूंगी। गरम गरम स्पाइसी मज़ेदार चिली पनीर रेडी। देखा, ये था चिली पनीर जो कि बहुत सारी सब्जियों से भरा हुआ था, खाने में सबको बहुत पसंद आता है। आप भी इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं जल्दी ही आऊँगी एक अच्छी वीडियो के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।